हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मेरे सारे नए रोज़ प्लांट को दिखाऊंगी और साथ में इन प्लांट्स में कुछ बीमारी भी आए हैं मेरे कुछ प्लांट में। तो अभी इन समर में हमें कैसे करके रोज़ प्लांट को केयर करना सही है, तो वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊँगी। तो इसीलिए वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, तो आपको भी बहुत ही अच्छे से पता चलेगा कि समर में हमें रोज़ प्लांट को कैसे केयर करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो पिंक कलर वाला जो मिनिएचर रोज़ है, इसका हेल्थ ठीक ठाक है और मेरे कुछ प्लांट में ब्लैक स्पॉट आ गए हैं पत्ते में। और ये वाला ऑरेंज कलर में है, देखिए ये भी ठीक ठाक ही है, लेकिन फिर भी इसका भी कुछ कुछ ब्रांचेस सूख रहा है। देखिए तो वो किस लिए सूख रहा है वो भी मैं बताऊँगी आप लोगों को। ये देखिए, ये ऑरेंज कलर में है और ये बहुत ही छोटा प्लांट था। आप लोग मेरे प्लांट शॉपिंग पार्ट 9 में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने मार्च के फर्स्ट वीक में मैंने ख़रीदारी किया था। तो ये वाला रेड वाला है, लेकिन सारे प्लांट्स में फूल खिल रहे हैं, लेकिन इतना भी हेल्दी नहीं हुआ है कुछ कुछ प्लांट। और देखिए फ्रेंड्स, ये वाला येलो कलर में है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रहा है। और आगे आगे आपको सारे कलर्स का फूल दिखने को मिल जाएगा। और ये वाला प्लांट में भी थोड़ा बहुत वो पत्ते में ब्लैक स्पॉट हुआ है और कुछ कुछ प्लांट में ब्रांचेस भी सूख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला कलर देखिए, ये लाइट पर्पल कलर जैसा है, आप पिंक भी बोल सकते हो, लेकिन ये अलग टाइप का है, पर्पल जैसा ही लगता है। तो फ्रेंड्स, प्लांट्स इसलिए सूखते हैं, और बहुत सारे फ्रेंड ने भी पूछा था कि मेरे प्लांट सूख रहा है ऐसे बोल के, पत्ते में जो ब्लैक स्पॉट आता है तो वो फंगस के वजह से आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें प्लांट्स में टाइम टू टाइम फंगिसाइड पाउडर स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है इन समर में। इसी सीज़न में प्लांट्स का जो पत्तियाँ ब्रांचेस ज़्यादा सूख जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला वाइट कलर में है, इसमें ये वाला प्लांट भी बहुत ही हेल्दी है, और जो पत्ते में ब्लैक स्पॉट और सूख जाते हैं ब्रांचेस, इसलिए आपको फंगिसाइड एवरी 15 डेज में आपको फंगिसाइड पाउडर स्प्रे करना पड़ेगा। वो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर लेके अच्छे से मिला के हमें प्लांट्स में स्प्रे करना है। और फ्रेंड्स देखिए, ये वाला दूसरा वाला है, देखिए ये भी रेड है, लेकिन पहले जो रेड देखा वो अलग है और ये वाला रेड अलग है। ये थोड़ा लाइट है, वो थोड़ा डार्क है। और फ्रेंड्स, फिर फंगिसाइड पाउडर स्प्रे करने के 4-5 दिन के बाद फिर आपको NPK सेम रेशियो का, जो NPK 19-19-19 वो वाटर सोलुबल होता है, तो वो भी आपको 1 चम्मच 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के फिर वो वाला स्प्रे करना है। फिर उसके 4-5 दिन के अंदर आपको, मतलब 4-5 दिन के बाद आपको जो फिर पेस्टिसाइड है वो स्प्रे करना है। तो वो भी कोई डाइमेथोड 30% वाला पेस्टिसाइड आपको लेना है, 1 चम्मच 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के वो भी अच्छे से स्प्रे करना है। और उसके बदल में आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा ग्राउंड में जो मिनिएचर रोज़ है यहाँ पे, तो ये वो वाला है, कोने में है ये वाला। और फिर पेस्टिसाइड स्प्रे करने के 4-5 दिन के बाद आपको जो PGR बोल के एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मिलता है, वो प्लांट्स का विटामिन जैसा ही होता है, तो विटामिन ही है, तो वो आपको अगर अवेलेबल है, नहीं होने से अगर आप गुलाब कर रहे हैं तो वो वाला आपको मंगवाना पड़ेगा, तभी आप प्लांट्स को अच्छे से देखभाल कर पाएंगे और आपका रोज़ प्लांट हेल्दी भी रहेगा। और तो वो भी आपको 1 चम्मच 1 लीटर पानी में खोल के स्प्रे करना है। बस इतना ही, ये सब आप ऐसा करके केयर कीजिएगा। तो फिर जो PGR आपने स्प्रे कर लिया, उसके फिर 4-5 दिन के बाद आप फिर से दोबारा वो फंगिसाइड स्प्रे कीजिएगा, उसके बाद NPK, उसके बाद फिर पेस्टिसाइड, फिर से PGR। तो ऐसा ही करके आप करते रहिए, तो आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये वाला लाइट पिंक में है, और जो इसके पहले में देखा वो वाला ऑरेंज कलर में है। और फ्रेंड्स, मेरे प्लांट्स इसलिए ऐसा हुआ है, मेरे जो
फंगिसाइड पाउडर था मेरे पास और पेस्टिसाइड था, दोनों ही बायो फंगिसाइड और बायो पेस्टिसाइड था, अच्छा ही था, लेकिन वो सबका वैलिडिटी डेट कब का ख़त्म हुआ था मुझे पता ही नहीं था, और इस लॉकडाउन के वजह से मैं ला भी नहीं पा रही थी। तो मैं मेरे प्लांट्स में ऐसा पत्ते में देखिए ऐसा हुआ है, तो इसीलिए मैंने फिर वो जाके उसको अच्छे से देखा तो उसका वैलिडिटी डेट ओवर हो गया था, तो उस वजह से मेरे सारे प्लांट में ये सारे बीमारी आ गए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरे सारे पुराने रोज़ है, और भी बहुत सारे है उस साइड में, तो ये सब में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग। ये देखिए, ये देसी रोज़ है जो इसका कंप्लीट केयरिंग आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, तो वो वीडियो सारे आप चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इनके अलावा आप महीने में एक बार जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है। मैं तो करती हूँ, तो आप भी कीजिएगा, वो महीने में एक बार करने से भी हो जाएगा, या फिर 20 to 25 days के अंदर वो भी स्प्रे कीजिएगा। और जितने भी वो फंगिसाइड पेस्टिसाइड जितना भी वो विटामिन वगैरह बोला है वो सब आपको 15 days के अंदर अंदर गुलाब में स्प्रे करना है पत्तियों में। तो ऐसे ही करके हमें समर में प्लांट्स को देखभाल करनी है, और साथ में फर्टिलाइज़र हमें कम डालना है अभी इस समर में, तो तभी देखिए समर में भी मेरे प्लांट्स में बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। और मैंने मेरे सारे रोज़ को अभी ग्राउंड में लेके आई हूँ, क्योंकि साथ पे और जगह ही नहीं था, तो इसलिए सबको देखिए नीचे लेके आई हूँ, और ऊपर में मैंने शेड भी लगा दिया है, ग्रीन नेट भी लगा दिया। तो फ्रेंड्स ऐसा ही करके मैं मेरे सारे रोज़ को केयर करती हूँ, जो कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने आप पूछते हैं कि आप कैसे आपका रोज़ को केयर करते हैं रोज़ प्लांट का, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर ही दूं। तो ऐसा ही करके मैं केयर करती हूं, तो आप भी ऐसा ही करके केयर कीजिएगा, तो आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा और अच्छा रहेगा, तो ये मेरा गारंटी है। तो आप ऐसा ही करके केयर कीजिएगा, और मेरे सॉइल मिक्सर कैसे करके प्लांट को लगाना चाहिए रोज़ प्लांट को, तो वो सारे वीडियोज़ भी आप चेक कीजिएगा, क्योंकि आपका अगर पॉटिंग मिक्स अच्छा नहीं रहेगा तो आपका रोज़ प्लांट भी अच्छा हेल्दी नहीं बनेगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा क्लाइंबिंग रोज़ है, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी कुछ ही दिनों में, तो 7-8 दिन के अंदर ज़रूर शेयर करूँगी मैं इन सबको तो नहीं, एक प्लांट को रिपोर्टिंग भी करूँगी, और कहाँ से आपको मिल सकता है वो भी वही वीडियो में, उसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो फ्रेंड्स इतना ही था समर में हमें रोज़ प्लांट को कैसे करके केयर करना चाहिए, तो आप भी ऐसा करके केयर कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।